वैशेषिक दर्शन की 48वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय को आज हम प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या ब्रह्म मुनि जी के भाष्य में 78। तो छठे अध्याय का प्रथम आनेक भूमिका में पृष्ठभूमि बनाते हुए ब्रह्म मुनि जी बोलते हैं, भौतिक द्रव्याणां मनसश्च कर्माणि खलु उक्तानि। पीछे भौतिक द्रव्यों के कर्म यानी पृथ्वी का बताया, वायु का बताया इत्यादि, भौतिक के महाभूतों के, अग्नि का बताया, जल का बताया ऐसे, और मनसश्च कर्माणि और मन के कर्म भी बताए वहां पर। इनको कहा खलु उक्तानि, संप्रति तो आत्मकर्माणि विधि निषेध पराणि वक्षन्ते। अब आत्मा के कर्म यहाँ पर कहे जा रहे हैं। आत्मा के कर्म में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्णन दिया गया उसमें कुछ कर्म तो परमात्मा से संबंधित हैं और कुछ जीवात्मा से संबंधित हैं। तो जो हम अनेक बार ये चर्चा करते हैं कि वैशेषिक में ईश्वर का वर्णन नहीं आया, तो परोक्ष रूप से साक्षात शब्द से न होते हुए भी यहाँ इस अध्याय में परमात्मा का संकेत हमें प्राप्त होता है कि ये परमात्मा को मानते थे, क्योंकि वेद का वर्णन आ रहा है। और जहाँ आत्म शब्द आता है वहाँ यथा योग्य आत्मा का या परमात्मा का भी ग्रहण होता है, ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आत्मकर्म में विधि निषेध पराणि वक्षन्ते, विधि और निषेध परक जो वाक्य हैं, कथन है, वो कहे जा रहे हैं। आत्मा के कर्म कौन से जो विधि और निषेध परक हैं, जिसमें करने के लिए कहा जा रहा है वो तो विधि पूर्वक हो गए, ऐसा करना चाहिए ऐसा करें, और निषेध है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा न करें, ये निषेध परक हो गए। तेषां कर्मणां प्रतिपादकं शास्त्रं वेदः। इस प्रकार के कर्मों का, विधि निषेध कर्मों का प्रतिपादक वेद है, मूल रूप से प्रतिपादक वेद है। अन्य जो ग्रंथ हैं मनुस्मृति आदि, उसमें वेदानुकूल फिर जो बातें लिखी गई हैं, ये शुद्ध मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, जो मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं वो विषय वेदानुकूल नहीं है। सारी चीज़ें आज की उपलब्ध मनुस्मृति में वेदानुकूल नहीं है, जैसे जन्मना जाति व्यवस्था या शूद्रों के लिए कुछ अन्य बातें। इसलिए जो बाद के ग्रंथ हैं वो भी विधि निषेध को करते हैं। हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, अभी बना है, उसमें भी विधि निषेध है। किसी संस्था के नियम अनुशासन होते हैं वहाँ भी विधि निषेध होता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। कहीं भी मार्ग में है, यंत्रों के साथ में है, यंत्र के साथ ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए तो ये अधिक अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए इससे अच्छा रहेगा, करोगे तो इसमें हानि होगी, इत्यादि वस्तु से लेके व्यक्ति तक, संस्था में, राज्य में, राष्ट्र में, विश्व में, शरीर के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परस्पर व्यवहार की दृष्टि से, सब जगह विधि और निषेध हमारे को उपलब्ध होते हैं। वो विधि और निषेध सही हैं गलत हैं ये फिर विचारने की बात होती है, लेकिन ये मिलते अवश्य हैं। तो हमारे लिए, मनुष्य जीवन के लिए, मानव के लिए विधि और निषेध का जो ज्ञान है वो वेद से प्राप्त होता है, अन्य से भी प्राप्त होता है, तो वेद से प्राप्त होता है का मतलब है मूल रूप से वेद से प्राप्त होता है। और जो भी विधि निषेध हमारे लिए कहा जाएगा और उसमें कहीं संदेह होगा तो वेद के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तो विधि तेषां कर्मणां प्रतिपादकं शास्त्रं वेदः, तस्मात् तावत्
वेद विहितानि कर्माणि स्वीकर्तव्यानि निषिद्धानि तु अग्राह्याणि इत्यत्र हेतुं प्रदर्शयति। क्योंकि विधि निषेध का करने वाला वेद है, इसलिए वहाँ वेद में विहित जो कर्म है उनको हमें स्वीकार करना चाहिए और जो वेद में निषिद्ध कर्म है उनका अस्वीकार करना चाहिए, जिनका मना किया गया उनको हमें भी नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्यों वेद के अनुसार ही हम चलें वेद और वेद में जो निषेध किया उसको हम छोड़ दें, ऐसा क्यों, तो उसके लिए हेतु यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला सूत्र है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेदे वेद में जो वाक्य कृति है, वाक्य की कृति यानी रचना, वाक्य की बनावट, दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रों की जो रचना है, मंत्र ही हम उनको बोलते हैं वो, अथवा एक मंत्र में भी वाक्य होते हैं, कई वाक्य भी हो सकते हैं पृथक पृथक। तो वाक्य का मतलब जैसे हम सामान्य भाषा में भी वाक्य बोलते हैं, अनेक पदों का समूह जो किसी निश्चित अर्थ को कहता है, कुछ विधान करता है, निषेध करता है, तो ये जो सारा का सारा है ये वाक्य की जो रचना है, मंत्रों की रचना है, वो बुद्धिपूर्वा, बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक की गई, यूं ही नहीं रच दिए गए हैं, अर्थात तो उसमें जितना भी जो कुछ भी लिखा है वो ज्ञानपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है, समझ से लिखा गया है, युक्ति संगत है। बुद्धि और ज्ञानपूर्वक का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध बुद्धि, शुद्ध ज्ञान से युक्त है वो। वैसे तो कोई भी रचना करेगा तो अपनी बुद्धि से ही करेगा, किसी ने गलत ग्रंथ भी लिख दिया है, गलत बातें भी लिख दिए हैं, वो भी अपने उसने अपनी बुद्धि से लिखी है, उसने अपने ज्ञान से लिखी है, अपने अपने ज्ञान से लिखी भी होती हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके अनुसार जो लिखा गया वो हमें मान्य हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि गलत भी लिखा जाता है। तो यहाँ का प्रसंग है ये परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान से है और वो शुद्ध ज्ञान से चुकी है, इसलिए हमें वो स्वीकार्य होता है, पूरी तरह स्वीकार्य होता है। और वेद का अंतिम प्रमाण भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान युक्त परमात्मा के द्वारा वो दिए गए हैं। तो वेदों की रचना बुद्धिपूर्वक है और ज्ञानपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है, इसका मतलब है कोई चेतन है जिसने उसको बनाया है, और वो हमारे अन्य शास्त्रों से पुष्ट होता है कि वो ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा ये ज्ञान दिया गया, ये मनुष्यकृत नहीं है, अपौरुषेय है। भाष्य देखिए, वेदे धर्माधर्म बोधकानां विधि निषेध पराणां वाक्यानां कृति खलु बुद्धिपूर्वा अस्ति। उसी को खोल दिया कि वेद में जो धर्म और अधर्म के बोधक विधि निषेध परक वाक्य हैं, विधि निषेध वाक्य जो पीछे इन्होंने भूमिका में लिया, उसी को दूसरे शब्दों में खोल दिया, धर्म अधर्म बोधक, धर्म और अधर्म को बताने वाले, धर्म मतलब कर्तव्य करने योग्य, अधर्म मतलब अकर्तव्य न करने योग्य। तो धर्म अधर्म कहें, पुण्य पुण्य कहें, विधि निषेध कहें, इन सबका, इन सबकी रचना, वाक्यों की रचना बुद्धिपूर्वक है। बुद्धि से क्या मतलब है उसको खोल रहे हैं, बुद्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, बुद्धि कह लें या ज्ञान कह लें एक ही बात है यहाँ पर। तो सामान्यतः बुद्धि का मतलब वो यंत्र उपकरण जिसके द्वारा हम विचारते हैं उसको भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यंत्र को तो कहा नहीं जा रहा है, उपकरण को, क्योंकि परमात्मा के पास ऐसी स्थूल या सूक्ष्म जो प्रकृति से बनी हुई बुद्धि है उसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो हमें आवश्यकता होती है मनुष्यों को, लेकिन परमात्मा का संदर्भ में जब बुद्धि शब्द का प्रयोग होगा तो ज्ञान ही होगा। और न्याय दर्शन में भी आता ही है कि बुद्धि और ज्ञान समानार्थक है, बुद्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो ये बुद्धि पूर्वास्ति, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, तो बुद्धि पूर्वी पूर्वा को इन्होंने दूसरे शब्दों में कह लिया, ज्ञान शब्द लगा करके, ज्ञान पूर्वी का अस्ति, ज्ञान पूर्वक है ये। और स्पष्ट कर रहे हैं, परमात्मा खलु वेदो रचितो, परमात्मा ना खलु वेदो रचितो, परमात्मा के द्वारा वेद की रचना की गई। वेदो ज्ञानागारो, वेद ज्ञान का आगार है, भंडार है, समुद्र है। विद ज्ञाने संज्ञाया सार्थकत्वात्, क्योंकि वेद में, वेद शब्द में जो धातु है, प्रकृति है, वो विद ज्ञाने, इसको मुख्य मान करके कथन कर रहे हैं, विद ज्ञाने ज्ञान अर्थ में ही है ये, उसकी संज्ञा सार्थक है, जहां जाना जाता है, जिससे जाना जाता है वो वेद है। सच ज्ञान स्वरूपस्य सर्वज्ञस्य परमात्मनः कृति, और ये जो वेद है ये ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा की कृति,
नहीं, परमात्मा का स्वरूप ही ज्ञान में है, उसमें अज्ञानता का कोई अवकाश नहीं है, अज्ञानता का कोई भाव नहीं है, वो शुद्ध ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है। और परमात्मा अज्ञान को भी जानता है, तो अज्ञान को जानता है, मिथ्या ज्ञान को जानता है, तो मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के रूप में जानता है कि ये गलत ज्ञान है, सही को सही जानता है, गलत को गलत जानता है। तो उसमें वस्तुओं का, क्रियाओं का, गुणों का, सबका ज्ञान है, कर्तव्य अकर्तव्य का, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या हित करे क्या अहित करे, उसका सारा ज्ञान है। और मनुष्य आदि जो अज्ञान से युक्त होते हैं, गलत जानते हैं, उसका भी उसको पता लगता है। हम मनुष्यों में, प्राणियों में जो अज्ञान रहता है, उसका भी ज्ञान उसको रहता है, वो ज्ञान भी उसके अंतर्गत है कि जीवात्माएं किस किस तरह से अज्ञान से युक्त हो सकती हैं, इनमें कौन कौन सा अज्ञान हो सकता है, इसका भी उसको पता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें अज्ञान रहता है, अज्ञान का ज्ञान रहता है, वो जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसको पता है कि ये मिथ्या ज्ञान है। यूं तो हमारे अंदर भी ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं, यथार्थ को जानना ज्ञान और अयथार्थ जानना ये अज्ञान है, और हमें दूसरे को पता है कि ये देखो इस व्यक्ति में ये अज्ञान है, सामने वाला ये देखो ये गलत मानता है, ये परमात्मा को साकार मानता है, उसके अज्ञान का हमें पता है। तो हमें जब इस अज्ञान का पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हमें उस विषय में अज्ञान है, हम ये जान रहे हैं कि इसको अज्ञान है, उस अज्ञान को हम अज्ञान, मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के रूप में देख रहे हैं। तो परमात्मा में सारा ज्ञान है, ज्ञान का भी और अज्ञान का भी, लेकिन वो सारा ठीक ठीक है, इसलिए वो ज्ञानमय ही है, वो अशुद्ध ज्ञान नहीं है, इस कारण से वो ज्ञान स्वरूप है। तथा अन्यथा कर्म प्रतिपादकनेन च भवितव्यम्, तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादनेन न भवितव्यम्, वहां इससे भिन्न कोई कर्मों का प्रतिपादन हो ऐसा हो नहीं सकता है, यानी जो उचित है उन्हीं का प्रतिपादन होगा, अनुचित का प्रतिपादन वेद में हो नहीं सकता। वेद में जो जो प्रतिपादन किया गया है, जिस जिस कर्म को करने को कहा गया है, वो उचित ही है। तस्मात् तत्र प्रतिपादित कर्मणाम ज्ञानम अनुष्ठानम च अवश्यम कार्यम, इसलिए वहां जो कर्म प्रतिपादित है, कर्म करने के लिए कहे गए हैं, उनका ज्ञान और अनुष्ठान, अनुष्ठान यानी उसको व्यवहार में लाना, ये दोनों हमें करने चाहिए। निषिद्धानाम च परित्याग कार्य, और जिनका निषेध किया गया है उनको जान करके और उनका निषेध करना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है वैशेषिक का, और इसका प्रयोग प्रवचनों में, लेखों में बहुत किया जाता है। वेद की रचना बुद्धिपूर्वक है, तो बहुत से बीच में प्रचलन में आ गया कि वेद गडरियों के गीत हैं, तो यहाँ पर गीत तो कविता के रूप में है, मंत्र है इस दृष्टि से है, लेकिन गडरिये किसको कहते हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाला, गायों को चराने वाला, उसको गडरिया बोलते हैं। और ऐसे काम कौन करता है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, इस रूप में गडरिया मतलब तो मूर्खों के गीत हैं, ये मूर्खों के गीत हैं, मतलब असंबद्ध प्रलाप है, असंबद्ध बातें, मूर्ख व्यक्ति या पागल व्यक्ति या नशे के में व्यक्ति जैसे अंडबंड ऐसे उल्टा सीधा बोलता है, कुछ भी बोल देता है, असंगत बातें बोलता है, ऐसे वेदों में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझ में नहीं आया कि वेद में क्या कहा जा रहा है, उल्टा सीधा लग रहा है, पता नहीं किसी की भी, किसी से भी प्रार्थना करने लगते हैं, पता नहीं कोई भी प्रार्थना करने लगते हैं जो व्यवहार में नहीं है, सृष्टिक्रम के विपरीत ऐसी उल्टी 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 बातें लिखी हुई हैं, ऐसा उन लोगों को प्रतीत हुआ और उसको गडरियों के गीत कहने लगे। तो उस संदर्भ में सब जगह ये कहा जा सकता है कि बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद की समस्त रचना बुद्धिपूर्वक है, और हम उस अनुसार से, हम चूंकि वेद को मानने वाले हैं, वेद की रक्षा के लिए हम प्रवृत्त होना चाहते हैं, हमें होना चाहिए, होते हैं, उसका कि इस विश्वास के साथ हम वेद के ऊपर काम करें कि वेद की रचना बुद्धिपूर्वक ही है। हमें प्रथम दृष्टया अगर कोई बात वहाँ गलत लगती है, हमारे अपने ज्ञान के अनुसार, हमने जैसा समझा है, जैसा हमने किया है, जो भी हुआ उसको हम सही मान करके चल रहे हैं, वो लेकिन वहाँ कुछ अलग बात लिखी हुई है, तो उसे हम ये ना समझ लें कि यहाँ पर गलत है, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि ये जो गलत बात दिख रही है, इसमें जरूर कोई ना कोई ठीक बात है, किसी किस दृष्टि से ये बात ठीक है, वो हमें सदैव समझना चाहिए। दो दृष्टियों से वेदों को देखा जा सकता है, एक उस पर विश्वास करके कि हर पंक्ति, हर वाक्य, हर मंत्र बिल्कुल ठीक बात को कह रहा है, इसमें गलत हो ही नहीं सकता,
और इस दृष्टि से हम उसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे, करेंगे ये सब। और दूसरी दृष्टि है कि वेदों में क्या जो भी हमारे को हमारी बुद्धि से गलत दिखाई देता है तो गलत कहेंगे, सही दिखाई देता है तो सही कहेंगे, जो हमें दिखाई देता है वो कहेंगे। उसके पीछे दूसरी एक दृष्टि और होती है कि वेद को गलत सिद्ध करना है तो गलत दृष्टि से देखेंगे, उसकी हर बात की आलोचना करेंगे, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। तो इस शैली से चलते हैं। इसमें दोष क्या है, लोगों को क्या दोष दिखता है? बोलिए तो आपने पहले ही मान लिया कि वेद ठीक है, पूर्वाग्रह हो गया आपका, आग्रह है आपका, ये दुराग्रह है कि आपने ये मान लिया कि वेद ठीक है और अब आप देख रहे हो अब जैसे तैसे आप उसकी बातों को सीधा सत्य सिद्ध कर रहे हो, उचित सिद्ध कर रहे हो, ऐसा वो लोग कहते। और हम तो देखो बिल्कुल तटस्थ हैं, हम न तो इसकी तरफ झुके हुए हैं, ना विरोध में हैं, ना पक्ष में, हम तो बस जो दिख रहा है वो कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान हो रहा है वो कर रहे हैं बस। तो दिखने में यूं कहने में लगेगा कि ये अधिक तटस्थ हैं, अधिक बुद्धिमान हैं और ये सत्य के निकट हैं और ये वेद की बातों को ठीक ठीक जान रहे हैं, क्योंकि जो आग्रह से ग्रस्त होगा वो तो ठीक जानेगा नहीं, ऐसा आजकल ये सब प्रस्तुत किया जाता है। पर हमारी परंपरा के अंदर, और वो परंपरा यूं ही नहीं हो गई है कि वेद को पहले ये सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर की रचना है और ये ठीक है, हमारा प्रथम प्रयास यही होगा कि इसको हम ठीक ही करें, हम नहीं समझ पा रहे। और जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो स्वतंत्रता कैसी? अब ऐसी स्वतंत्रता वाले 10 जनों को बैठा दो वेद के लिए, वो 10 जने करेंगे तो वो क्या एक जैसे आएंगे? वो अपने अपने ढंग से आएंगे। स्वतंत्र विचारक भी अलग अलग होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उसको ठीक कहेगा, कोई गलत कहेगा। वेद की छोड़ दीजिए, दुनिया की किसी भी चीज को ले लीजिए, किसी घटना को ले लीजिए, कहें हम तो स्वतंत्र समीक्षक हैं, हम तो अपनी स्वतंत्रता से देख रहे हैं, वो स्वतंत्रता से देखने वाले भी तो बहुत अलग अलग ढंग से देखते हैं। तो स्वतंत्रता से जो देखते हैं उसमें ये कहा निश्चय है कि ठीक ही पता लगेगा। स्वतंत्रता क्या होती है? वो स्वतंत्रता ये है कि हम अपनी मर्जी से देख रहे हैं, हम अपने ज्ञान के अनुसार देख रहे हैं वेद को। और हमारा जो ज्ञान है, ऐसे लोगों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी तो भिन्न भिन्न हो सकता है। आप भिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं, आपने भिन्न ढंग से समझा है, आप भाषा को नहीं जानते, परंपरा को नहीं जानते, आप अपने ढंग से अपनी भाषा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार वहां अर्थ देखने लगेंगे, तो ये तो किसी वस्तु के साथ न्याय नहीं होगा। तो ये कहने में उनका लगता है, और आजकल के बुद्धिजीवी उसी को पसंद करते हैं कि नहीं, स्वतंत्र होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि है कि आग्रह है, आग्रह है तो हम इसको ठीक मान करके चलते हैं। अभी वैज्ञानिक भी जब विज्ञान में खोज करते हैं, एक परिकल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, अब वो प्रयोग शुरू करते हैं, तो किस दृष्टि से चलते हैं? उसको परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को, जो सैद्धांतिक रूप से विचार से उन्होंने किया है, उसको सही मानते हुए उसका परीक्षण करते हैं। वो मानना ही पड़ता है उनको, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगा, और फिर जो निर्णय आता है उसको ले लेते हैं, सही मान के चलते हैं। अगर विपरीत जाता है तो उसको निश्चित कर लेते हैं जो परीक्षण में आएगा। तो कुछ आधार पर सोच करके, मान करके चलना ही होता है। गणित में भी, बीज गणित में भी, मान करके भी बहुत कुछ चीजें की जाती हैं। बीज गणित के अंदर कुछ मान मान के चलते हैं, और लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि उससे हमें ठीक निर्णय आता है, ये सिद्ध बात है। तो मान करके भी चला जाता है, उसमें कोई दोष नहीं। वो प्रक्रिया विज्ञान में भी होती है तो यहां पर भी होती है, लेकिन वो मानना है वो कुछ विशेष आधार पर है। तो इसमें हमें ऋषियों के वचन प्राप्त होते हैं कि बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। तो इसे परमात्मा को भी इनका स्वीकार्य है, परमात्मा को स्वीकार करते हैं, ये भी हम परोक्ष रूप से मान सकते हैं। आगे तदत्र विषय, अब इसी विषय में सूत्रकार आगे कहते हैं कि भाई ये आपने कैसे जाना कि वेदों में जो वाक्य रचना है वो बुद्धिपूर्वक है? उसके लिए कुछ हेतु आगे प्रस्तुत किए गए हैं, केवल उनके बच्चे उन्होंने कह दिया और हम मान ले, इतना भी नहीं है, कुछ हेतु दिए हैं आगे। तो उसके लिए दूसरा सूत्र है, ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम। ब्राह्मण में यानी ब्राह्मण ग्रंथों में जो संज्ञा का कर्म है, जो नाम रखे गए हैं, उसकी व्याख्या की गई है कि ये नाम क्यों है ऐसा, अनवर्थता जो वहां प्रदर्शित की गई है उसका अर्थ बताया गया, वो है संज्ञा कर्म। ये नाम क्यों रखा गया इसको जो बताते हैं, ये इसकी सिद्धि का लिंग है। सिद्धि में
सिद्धि में प्रमाण है, सिद्धि का सूचक है कि वहां जो रचना की गई है वो बुद्धिपूर्वक है, यूं ही नहीं है। जैसे कि हम किसी का नाम रखते हैं, नाम कुछ है वैसे गुण है नहीं उस व्यक्ति में, तो ये नाम तो बस वैसे ही रख दिया है हमने, इसको बुद्धिपूर्वक नहीं कहते। हमें कामना है कि वो ऐसा बनेगा, लेकिन जिस जो चीज जैसी है उसमें वैसा ही नाम रखना, वो गुण वहां पर हो, ये तो तभी रख सकता है जब वैसा गुण देखेगा और वैसा ही नाम रखेगा। जैसा देखा है वैसा ही रख रहा है, ये अनवर्थता है, उसकी दृष्टि से ये पुष्ट कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर। इसके दो तरह से अर्थ किए हैं कि पिछला जो सूत्र था बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, इसकी सिद्धि में ये, इसकी सिद्धि के लिए ये लिंग है, ब्राह्मणे संज्ञा कर्मा। भाष्य देखिए, ब्राह्मणे तो ब्राह्मण ग्रंथे, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है प्रसिद्ध है वो, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इसी को इन्होंने आगे खोला, वेद व्याख्यान ग्रंथे, जिसमें वेदों की व्याख्या की गई है, वेद के मंत्रों की व्याख्या की गई है, उसमें कुछ कुछ शब्दों की व्याख्या है, उस कर्मों के विनियोग हैं, कर्मकांड का भी वर्णन है, लेकिन वहां बहुत से शब्दों को खोला गया है, इस दृष्टि से उसको कहते हैं वेद के व्याख्यान ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ। वहां पर संज्ञा कर्म, वेदोक्तानाम संज्ञानाम कर्म, वेदोक्त संज्ञाओं का कर्म बताया गया है, वेदोक्त संज्ञाओं का कर्म। कर्म का मतलब क्या है, उसको ब्रह्मुनि जी खोलते हैं अर्थ करणम, अर्थ करना। वेदोक्त संज्ञाओं का कर्म यानी वेदोक्त संज्ञाओं के अर्थ को करना, अर्थ को बताना, उसको खोल रहे हैं अर्थानुरूपम स्पष्टीकरणम। जैसा उनका अर्थ है, वो वस्तु जैसी है वैसा ही वो शब्द है, उसका स्पष्टीकरण करना। तदर्थ विधानम कर्मवा, और उसके अर्थ का विधान करना, ये कर्म के रूप में कहा गया है। अर्थों को बताना रूप जो कर्म है, अर्थ विधानम कर्म, अर्थों को बताना रूप, ये ऐसा ऐसा है, इस ये जो कर्म है वो सिद्धिलिंगम। सिद्धिलिंगम को खोल रहे हैं बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति इति सिद्धे है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति जो वेदे, ये जो पिछला सूत्र था, इति सिद्धे है, इसकी सिद्धि के लिए, इसकी सिद्धि में, इसकी सिद्धि के संदर्भ में ये लिंग बनेगा। यद्वा, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं सिद्धि प्रसिद्धि नियमो ही वेद प्रसिद्ध, सिद्धि ही प्रसिद्धि, सिद्धि का मतलब यहां पर प्रसिद्धि। ब्राह्मण में जो संज्ञा कर्म है वो उसकी प्रसिद्धि का लक्षण है। क्या है वेद के बारे में प्रसिद्धि, तो उसको बोलने हैं ज्ञानमयो ही वेद, वेद जो है वो ज्ञानमय है, सर्वज्ञानमयो, सर्वज्ञानमयो ही सह, वो मनुस्मृति का है। तो यह मतलब है ये वेद जो है वो ज्ञानमय है, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान से युक्त हैं। ये जो वेदों के बारे में प्रसिद्धि है, फैला हुआ है उसका यश कि ये ज्ञानमय है, इसकी सिद्धि में ये लिंग बनता है ब्राह्मणे संज्ञा कर्म। तो ज्ञानमयो ही वेद, ये जो इतना अंश है इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सिद्धि प्रसिद्धि ज्ञानमयो ही वेद इत्यस्य, इसका लिंगम, लिंग है यानी प्रमाण है। तो दोनों दृष्टि से किया, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, इसके प्रमाण के रूप में, और सर्वज्ञानमयो ही वेद, इसके पुष्टि के लिए, इसके प्रमाण के लिए यह लिंग बनता है, प्रमाण बनता है। इसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा विश्वामित्र, विश्वामित्र शब्द वेद के अंदर आया, उसका मतलब क्या है, तो कहा सर्वमित्र, जो सबका मित्र हो। विश्व से हवई मित्रम, जो विश्व का मित्र है, सबका मित्र है, उसको विश्वामित्र बोलते हैं। तो इस विश्वामित्र शब्द का अर्थ यहां पर खोला गया है, सर्वमित्र, विश्व का मतलब सर्व अर्थ दिया जाएगा, ये ऐत्रेय ब्राह्मण का वचन है। दूसरा निरुक्त का क्या, देवापिर देवानाम आप्त्या, देवापि जो शब्द है वो भी आया, तो क्या देवों की प्राप्ति करने वाला, देवों की प्राप्ति करने के कारण उसको देवापि कहा गया, श्रेष्ठों को उसने प्राप्त किया, देवों को प्राप्त किया, तो इसका नाम रखा देवापि। आगे तृतस्तीर्णतमो मेधया, तृत ये भी एक नाम है, इसका मतलब है तीर्णतमो, तीर्णतम
तैरने में जो श्रेष्ठ है, तैर जाता है जो इस संसार को, किसके द्वारा? मेधा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इस संसार सागर को तैरना, यानी इसमें डूबना नहीं। उदाहरण इस तरह से है कि जल में हम उतरे और तैरना नहीं आता है तो डूबेंगे, डूबेंगे यानी हानि होगी। लेकिन अगर बुद्धिपूर्वक इस संसार में जी रहे हैं, बुद्धि से जी रहे हैं, तो डूबेंगे नहीं, फिर हम तैर जाएंगे इसको, ये हमारे को दूसरे पार पहुंचाने में सहायक होगा, यही संसार। और बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। तो त्रित, ये इसका अर्थ खोला, तीर्ण तमो मेधया। आगे खोला भरद्वाजस्य वाज प्रतः, आर्षे ब्राह्मण का यह वचन है। तो भरद्वाज शब्द है, भरद्वाज, तो भरद्वाज का क्या अर्थ है? तो कहा वाज प्रतः, जो वाज के द्वारा, वाज का मतलब है अन्न जल वीर्य, उससे जो भृत है, पूर्ण है, भरा हुआ है, धारण जिसने किया है, उसको भरद्वाज कहेंगे। ये अर्थ को खोल दिया। आगे निरुक्त का कह रहे हैं अत्रि, अत्रैव तृतीयम ऋच्छते। अत्रि, अत्रि नाम सुना है तो उसमें कहे कि जो अत्रैव, अत्र मतलब इसी जन्म में, ये जो अभी शरीर चल रहा है इसी मानव शरीर में, तृतीयम ऋच्छते, तृतीय को प्राप्त करता है, उसकी इच्छा करता है, ग्रहण करता है, उसको अत्रि कहते हैं। ये तृतीय क्या है? तो परमात्मा का तीसरा धाम। तृतीय धामन नध्यंत, तृतीय धाम परमात्मा का, जो कि मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्ति, उसको जो यहीं इसी जन्म में चाहता है या इस जन्म में जिसने प्राप्त कर लिया है, उसको अत्रि कहते हैं। यहीं पर उसने प्राप्त कर लिया, तो अत्रैव अत्रि, अत्रैव तृतीयम ऋच्छते। आगे निरुक्त का ही दे रहे हैं, छंदांसी छादनात्। छंद, वेद मंत्रों को इनको छंद कहा जाता है, और इस छंद होते हैं इसमें, तो वो किस लिए हैं? उच्छादन करते हैं, रक्षा करते हैं, अपवारण करते हैं, हानिकारक चीजों से हटाते हैं हमारे को, सुरक्षा करते हैं, इसलिए इनको छंद शब्द से कहा गया। तो छंदांसी छादनात्। इसी की पुष्टि में शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया, आच्छादयंस तस्मात् छंदांसी, क्योंकि इन्होंने आच्छादित किया, रखा, रक्षा की, इसलिए इनको छंद कहा गया। निरुक्त में भी है ये। आगे यद रोदित तस्मात रुद्र, जो वो रोया, उसने रुलाया, इसलिए इसको रुद्र कहते हैं। रुद्र शब्द को खोला इन्होंने, शतपथ ब्राह्मण का है कि चूंकि वो रुलाने वाला है इसलिए इसको रुद्र कहते हैं, ये भी अनवर्थ संज्ञा है। इसी तरह कहा मंत्राह मननात, मंत्र कहते हैं, मंत्र क्यों कहते हैं? मनन किए जाने के कारण, इनका मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, ये कहीं यूं ही नहीं पढ़े जाते, विचारने योग्य हैं, कुछ इसमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं, गंभीर बातें दी गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो मंत्राह मननात। इसी तरह प्राणावई रुद्राह, प्राणाहिदम सर्वम रोदयंती, ये जैमिनी है उपनिषद का, तो प्राणों को रुद्र कहते हैं। प्राणों को रुद्र क्यों कहते हैं? प्राण यानी प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान आदि जो प्राण हैं, इनको रुद्र कहा गया। इनको रुद्र क्यों कहते हैं? सर्वम रोदयंती, ये सबको रुलाते हैं, रुलाने वाले होते हैं, यानी जब निकलते हैं इससे, हटते हैं तो ये रुलाने वाले होते हैं, इस दृष्टि से इनको रुद्र कहा गया, इनको प्राणों को भी रुद्र कहा गया। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे वचन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, ये तो उदाहरण के रूप में इन्होंने कुछ लिखे हैं। ये है संज्ञा कर्म, संज्ञा के नाम के अर्थ को बताना रूप जो संज्ञा कर्म है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो ये संज्ञा कर्म कहे गए, इससे पता लगता है कि ये सार्थक है रचना, शब्द भी सार्थक हैं, उनकी वाक्य की रचना भी सार्थक है। आगे संज्ञायाः ज्ञानपूर्वकत्वं तो उक्तम, अतः कर्मणोऽपि ज्ञानपूर्वकत्वं निदर्शयति। ये जो ज्ञान संज्ञाएं हैं, नाम हैं, ये बुद्धिपूर्वक हैं, वेद में ये वचन शब्द अनवर्थ संज्ञाएं हैं। महर्षि दयानंद इस बात को बहुत प्रबलता से स्थापित करते हैं कि वेदों में जितने भी शब्द हैं वो यौगिक हैं। यौगिक का मतलब ये होता है कि वो अनवर्थ संज्ञाएं हैं, रूढ़ ही नहीं है, प्रकृति प्रत्यय आदि के आधार पर उनका अर्थ लिया जाता है। रूढ़ी में जो प्रचलित अर्थ है उसको लेकर के वहां हर जगह काम नहीं चलेगा, वहां पर विपरीत अर्थ चला जाएगा। और जो अन्य पाश्चात्य लोग अर्थ देखते हैं वो चूंकि रूढ़ी या योग रूढ़ी अर्थ की प्रबलता रखते हैं, इसलिए वहां पर भिन्न भिन्न अर्थों को ले लेते हैं,
वो अग्नि मीले में जब अग्नि शब्द देखेंगे तो अग्नि का मतलब वो ये भौतिक अग्नि कर देते हैं, फायर कर देते हैं, क्योंकि लोक में अग्नि शब्द संस्कृत में इसके लिए प्रसिद्ध है, योग रूढ़ी है अधिकता से, तो वो उसी अर्थ को वहां पर ले लेते हैं। जबकि वहां पर यौगिक अर्थ लगते हुए परमात्मा परक जब अर्थ किया जाता है तो मंत्र बिल्कुल ठीक लगता है, वो असंबद्ध प्रलाप नहीं लगेगा, वो बुद्धिपूर्वक पूर्वक वाक्य की रचना हमें प्रतीत होगी। और वेदों को जब हमें सत्य सिद्ध करना है, वेदों की बात को, तो उसके ठीक ठीक अर्थ तक पहुंचना है, तो ऐसे अनवर्थता को हमें देखना होता है, ये शब्द क्या कह रहा है, इस शब्द का मतलब क्या है, वो व्याकरण निरुक्त आदि से हमें बताया जाता है। वो पूरी बड़ी लंबी परंपरा है, उसका पूरा अध्ययन करके समझ के वो उनको जो जितना अच्छी तरह से जानता है वो वेद को भी अधिक से अधिक अच्छी तरह से जान सकता है। ये बुद्धिपूर्वक रचना है। तो संज्ञाओं का ज्ञान पूर्वकत्व तो कह दिया, अब कर्म का ज्ञान पूर्वकत्व भी बता रहे हैं कि वेद में जो कर्म बताए गए हैं वो भी बुद्धिपूर्वक हैं, युक्तिपूर्वक हैं। आप कितना विचारो उसको वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा, युक्तिपूर्वक ही होगा, उसका प्रयोजन हम सबके हित को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। तो तीसरा सूत्र कहा, बुद्धिपूर्वो ददाति ही। परमात्मा जो है इसमें ये ध्यान देने का कि ददाति ही के आगे विसर्ग लगा हुआ है। वैसे जो हम करते हैं जैसे पठती पठता है तो ददाति जो बोलते हैं लट लकार एक वचन में, उसमें ददाति में विसर्ग नहीं आता है, तिप होता है, तिप प्रत्यय तो ददाति बस इतना ही होता है। तो ये क्रिया नहीं है कि भाई बुद्धिपूर्वक ददाति, परमात्मा बुद्धिपूर्वक देता है, ऐसा अर्थ नहीं करना है यहां पर, देता है नहीं, ददाति ही विसर्ग है। तो यहां दा धातु का कथन किया गया है, या तो ददाति को का अनुसरण करके, अनुकरण करके, उठा करके अब उसके आगे विसर्ग लगा करके प्रयोग किया गया, नहीं तो स्थित निर्देश बोलते हैं धातु के आगे। एक केवल धातु को बताने के लिए जब प्रत्यय स्थित प्रत्यय लाया जाता है और उसको प्रातिपदिक हो जाता है तो फिर उसमें सु आदि आकर के वो शब्द रूप की तरह उसकी हमें दिखाई प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है संस्कृत में। तो बुद्धिपूर्वो ददाति, यहां जो दान या देना रूप जो जितनी क्रिया है वेद के अंदर कही गई है वो सब बुद्धिपूर्वक है, युक्ति संगत है, उसी से सबका हित है। तो भाष्य में कहा, ददाति ही बुद्धिपूर्व, ददाति को खोल रहे हैं, ददाति रीति धातु निर्देशे। ददाति शब्द है ये धातु का निर्देश कर रहा है, केवल धातु को बता रहा है, क्रिया को नहीं बता रहा है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन को नहीं, केवल दा इस क्रिया को बता रहा है, देना क्रिया को कह रहा है। यथवा तो इसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं, धात्वर्थे स्थित प्रत्ययांतः प्रयोग, धातु के अर्थ को बताने के लिए यहां पर स्थित प्रत्यय ला करके प्रयोग किया गया है। तब इसको खोल रहे आगे, ददाति ही दान प्रकार, देने का जो प्रकार है, देने की जो प्रक्रिया है वह सच वेदे बुद्धिपूर्वो ज्ञान पूर्वो विद्यते। वेद में वो बुद्धिपूर्वक और ज्ञान पूर्वक है, जितना भी देना वहां कहा गया है वो बुद्धिपूर्वक है, वो उचित है, वो दिया जा सकता है, देना चाहिए। तेनापि तद्विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, चूंकि वो बुद्धिपूर्वक है इसलिए भी उसके कर्मों को हमें स्वीकार करना चाहिए, वहां जो लिखा है वैसा हमें करना चाहिए। तथ्यथा, जैसे कि अब उदाहरण दे रहे हैं, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं इस भूमि को, यानी जिस पे हम रह रहे हैं अभी, हम इसके लिए अर्थ में लेंगे, इस भूमि को मैंने आर्यों के लिए दिया। ये कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, वेद का रचयिता, मैंने इस भूमि को आर्यों के लिए दिया। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, उसके लिए इस भूमि को मैंने दिया। तो अब ये जो देना है ये देना बुद्धिपूर्वक हुआ, क्योंकि श्रेष्ठों को दिया, श्रेष्ठों को ही देना चाहिए, श्रेष्ठों को देंगे तो श्रेष्ठ कार्य होंगे, श्रेष्ठ व्यवस्था बनेगी, तो भूमि श्रेष्ठों को दी है। नाम भूमि अददाम आर्याय, हाँ अहम भूमि अददाम आर्याय, हाँ ठीक है, अहम भूमि अददाम आर्याय। अब ये चूंकि वचन काफी प्रसिद्ध है कि भाई वेदों ऐसा लिखा हुआ है, तो अब इसको लेकर के कई बातें प्रश्न आदि उठते रहते हैं कि भाई ये क्या बात है। तो हम कहें कि किसके लिए बात कही, आर्य किसके लिए, मनुष्यों को कहेंगे या अन्य प्राणियों को कहेंगे? पहली बात तो मनुष्यों को ही कहेंगे, लेकिन इस धरती पर तो पशु पक्षी कीट पतंग भी रहते हैं,
भूमि उनको भी तो दी है कुछ ना कुछ, तो वो भी पैर टिका करके जीते हैं यहां पर, खाते हैं पीते हैं सब हैं, तो वो भी तो उनको भी तो भूमि दी है, उनको भी तो भूमि दी है ना परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो सबको। तो क्या हम सब प्राणियों को इनको आर्य माने, सबको माने, तो और सबके लिए ही है फिर तो, ये कथन की बात ही नहीं है कि मैंने आर्यों के लिए दिए, सबके लिए ही दे दी हो तो इसको हम किस संदर्भ में देखते हैं, मनुष्यों के संदर्भ में, क्योंकि वो जो सब जीव जंतु हैं वो अपना अपना भोग करते हुए भी परंपरा से ये मनुष्यों के लिए हितकारी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं या अन्य जीव जंतु भी हैं। इसको गलत अर्थ में भी लिया जाता है कि मनुष्य अपने आप को सबका स्वामी मान करके बैठ गया है और जितना चाहे उतना दोहन और शोषण इन जीवों के साथ में, प्राणियों के साथ में कर रहा है, जो दुनिया में इतना दोहन हो रहा है, इतने पशु पक्षी मारे जाते हैं, जंगल अधिक काटे जाते हैं, वो क्या मान करके ये सब हमारे लिए है। ये जो अति विनाश की प्रवृत्ति चल रही है भौतिकवाद की, उसके पीछे कारण क्या है, ये हमारे लिए है, तो उसके लिए जो आजकल पर्यावरण संरक्षक हैं या जीव जंतु वन औषधि इन सब के जो रक्षक होते हैं, पृथ्वी अच्छी रहे, देखिए कि ऐसा मत मानो कि ये हमारे लिए हैं, ऐसा मानोगे तो ये तो फिर बहुत दोहन करेंगे। तो एक इसको बहुत गलत अर्थ में भी आजकल प्रयोग किया जाता है, मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाए, ये तो चूंकि ये बात वेद में कही गई है, ये मनुष्यों के लिए है ये सब चीजें, पर वो धर्म पूर्वक लेने के लिए बात थी, ये जो अधर्म पूर्वक ले रहे हैं उसका निषेध करना है, लेकिन मनुष्य की श्रेष्ठता फिर भी समाप्त नहीं होती, बाकी चीजें हमारे लिए हैं, और जो पर्यावरण की रक्षा आदि के लिए बात करते हैं वो भी तो इन सबका उचित प्रयोग स्वीकार करते ही हैं, अनुचित प्रयोग को वो रोकना चाहते हैं जिससे कि अगली पीढ़ियों के लिए खराब हो जाए और इस पीढ़ी में भी ये सब सारा का सारा तहस नहस कर दें हम, आगे के लिए ना रहे, उसके लिए वो मना करते हैं, बाकी उचित उपयोग के लिए तो वो भी मना नहीं करते। तो ऐसे में परंपरा से वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों के लिए हैं, प्रयोग वो भी करते हैं, तो ऐसा ही है, इसी ढंग से हमारे को लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य के लिए ये सब चीजें हैं, तो अब दूसरी दृष्टि से इसका अर्थ हम क्या करेंगे, वैसे सामान्यतः अर्थ क्या करते हैं, ये भूमि आर्यों के लिए है, तो जितने आर्य समाजी हैं वो क्या सोचते हैं, ये भूमि केवल आर्य समाजियों के लिए है औरों के लिए नहीं है। दूसरा थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कि जो वेद को मानते हैं उनके लिए, अथवा और व्यापक करते हैं, चलो किसी भी मत संप्रदाय वाला हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए उसके लिए है। तो फिर लगता है कि भूमि किसके लिए है, तो भूमि पे चाहे आप किसान के स्तर पर भूमि ले लो, चाहे राजा या शासक के रूप में भूमि को ले लो, भूमि तो किसान कह सकता है ना कि हाँ ये मेरी भूमि है, कारखाने वाला या मकान वाला कह सकता है ना मेरी भूमि है, तो वो क्या सब धार्मिकों के पास ही है, आर्यों के पास ही है, अनार्यों के पास भी है, बहुत बहुत लोगों के पास में है। और शासक की दृष्टि से देखें भूमि, वो पूरा देश उस शासक का माना जाता है, भले ही किसानों की और अलग अलग की भूमि हो, तो उस दृष्टि से भी सब आर्य हो ऐसा तो नहीं है, बोले परमात्मा ने यदि आर्यों के लिए दी है तो आर्यों के पास में होनी चाहिए, आर्यों के पास में होनी चाहिए, है तो नहीं, तो कहाँ दी परमात्मा ने आर्यों के लिए, हम तो शासन में नहीं हैं, हमारे पास संपत्ति नहीं है, परमात्मा ने तो ये तो अनार्यों के लिए दी हुई है। तो इसको अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं कि एक तो कि जितने भी मनुष्य हैं वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको मनुष्य जन्म मिला है, और ये भूमि आर्यों के लिए मतलब मनुष्यों के लिए दी गई है मुख्य रूप से, अन्य प्राणी भी अपना भोग करेंगे, लेकिन जो जिनके पुण्य कर्म हैं उस तरह से जिनको अवसर मिल रहा है, अब पाप भी थे तो पाप पुण्य की तुल्यता से जब मनुष्य जन्म में आए हैं तो उनके लिए दी गई है, ये प्राणियों के लिए नहीं है जमीन, ये मनुष्य शरीरधारियों के लिए, एक अर्थ आर्य काम ये लेके कर सकते हैं। दूसरा कि परमात्मा ये चाहता है कि यहां श्रेष्ठ व्यक्ति रहें, श्रेष्ठ व्यक्ति शासन करें, अब श्रेष्ठ अगर पुरुषार्थ ना करें अथवा अधार्मिक ज्यादा बन जाए, स्थितियां ऐसी हो तो अलग हो सकता है, ये मनुष्य कृत है, लेकिन परमात्मा यही चाहता है, और हम भी सब यही चाहते हैं कि हमारा राजा श्रेष्ठ हो, कहीं भी हो अपने अच्छे को ही चाहते हैं, हमें दो विकल्प हों और हम कहें कि कौन सा राजा बने,
कौन हमारा ऊपर शासन करे, कौन हमारी व्यवस्था करे, तो हम श्रेष्ठ को ही चाहते हैं, उस दृष्टि से देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो भूमि दी गई है तो त्रिणवंतो तो विश्वमार्यम की बात तो है ही, तो ये मात्र, एक ने मेरे से प्रश्न भी किया था कुछ दिनों पूर्व कि जी ये सब, ये भूमि सब आर्यों के लिए दी गई है, तो जितने भी मत संप्रदाय वाले हैं वो सब भी आर्य ही हैं, क्योंकि परमात्मा ने दी है भूमि उनको, तो हम चूंकि जितने भी यहां पर रह रहे हैं उन सबको हमें आर्य मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ही तो जन्म दिया है हमारे को यहां पर इस धरती पर, तो जितनों को भी परमात्मा ने जन्म दिया है वो सारे के सारे आर्य कहलाने चाहिए। हम अपनी परिभाषा से देखते हैं ये आर्य हैं या नहीं है, इस दृष्टि से तो सब सबका अधिकार है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि श्रेष्ठों को हमारे को ही शासन होना चाहिए, उनको क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी श्रेष्ठ हैं। तो इसमें ये भी समझना है कि आर्यों के लिए दी है मतलब आर्यों के शासन के लिए दी है, श्रेष्ठों को शासन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, प्रशासन के कार्य में, शासन के कार्य में करना चाहिए। उसका आर्यों के लिए ये भूमि दी है तो दूसरे जने कई क्या अर्थ करते हैं कि अनार्यों को यहां से हटाओ, मार दो यहां से, क्योंकि ये केवल परमात्मा ने आर्यों के लिए दी है, श्रेष्ठों के लिए दी है, इसलिए अनार्यों को यहां रहने का अधिकार नहीं है और उनको जान से मार देना चाहिए इस धरती से, ये ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा। अपनी अपनी व्याख्या है। तो यहां आर्यों के लिए दिए मतलब आर्यों का यहां पर अधिकार होना चाहिए, शासन होना चाहिए, इसका यह मतलब नहीं है कि अनार्य वहां रह नहीं सकते, वो कार्य करते हैं, वो भी रहते हैं। जैसे किसी की जमीन हो, बड़ा जमींदार हो, बहुत जमीन हो, उसके यहां पर 5, 10, 15, 20 कर्मचारी काम करते हैं, वो वहां काम करते हैं, वहां वो रहते हैं, उनकी आजीविका होती है, उसका यह मतलब थोड़ा होता है कि वो जमीन उनकी हो गई है, जमीन दूसरे की होगी। इसका जो प्रबंधन है, शासन है, अधिकार है, वो श्रेष्ठों के पास में रहना चाहिए ताकि अन्यों को भी सुख सुविधा मिले, ठीक तरह से मिले, सबका हित हो, इसके लिए परमात्मा ने ये दिए। तो इसके अनेक ढंग से व्याख्या कर सकते हैं और उस सब में बुद्धिपूर्वकता हमें दिखनी चाहिए, बुद्धिपूर्वकता की दृष्टि से ही सब हम कह सकते हैं। तो अहम भूमिम अददामा आर्याय, प्रथम दृष्टिया भी श्रेष्ठ को जमीन दी है तो ठीक है, श्रेष्ठ को होना ही चाहिए। हम जितनी भी प्रतियोगिताएं देखते हैं, अधिकारी बनते हैं, IAS अधिकारी बनते हैं, IPS बनते हैं, और भी जो भी हैं, उसमें भी तो हम योग्यता को देखते हैं ना, श्रेष्ठों को देखते हैं। जो भी आकलन की पद्धति है वो पद्धति त्रुटिपूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि श्रेष्ठ को ही दिया जाए, आर्य को ही दिया, और वो युक्ति संगत है। हर किसी को तो हम नहीं बैठा देंगे, जिसने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, योग्य है, वो ही बनना चाहिए, ये हम सब स्वीकारते हैं, ये बुद्धिपूर्वक है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी दिए है, अहम भूमिम अददामा आर्याया। और आगे दूसरा उदाहरण दिया, ये तो था ऋग्वेद के 4:26, तो चौथे मंडल के 26वें सूक्त का दूसरा मंत्र। एक और दिया इन्होंने ऋग्वेद का ही, अहम दाशु से विभजामी भोजनम, विभजामी भा नहीं है, विभजामी भोजनम। वो परमात्मा कह रहा है अहम दाशु से, देने वाले के लिए भोजनम विभजामी, भोजन को अलग रखता हूं, व्यवस्थित करता हूं, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, यानी जो देने वाला है, लोगों को देता है किस कुछ भी, सभी वर्ण कुछ देते हैं, ब्राह्मण ज्ञान देता है, क्षत्रिय सुरक्षा या न्याय देता है, वैश्य साधनों को देता है, शूद्र सेवा को देता है, जो भी देता है, यहां जो भी देने वाला है उसके लिए भोजन को, यानी उसके लिए जो हितकर चीजें, वो भोजन खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं और वस्त्र और भोग नहीं होगी जितनी भी चीजें, उन सब का ग्रहण कर सकते हैं हम, वो परमात्मा अलग रखता है। अलग रखता है का मतलब परमात्मा उस बात का ध्यान रखता है कि जो भी किसी दूसरों को दे रहा है तो बदले में उसको जो उचित है वो मिलना चाहिए। समाज देता है, राष्ट्र देता है, मालिक देता है, जो जितना देता है उससे बचता भी है तो वो परमात्मा पूरा करेगा, लेकिन वो देता है, और कोई निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो भी उसके लिए वो देता है। देना कुछ भी किसी ने भी किया है, पुण्य कर्म किसी ने भी किया है, दूसरे के लिए दिया है उचित चीज को, उसका जो फल है वो परमात्मा अलग रखता है, ध्यान रखता है कि इसको ये देना है मुझे, तो ईश्वर विश्वास हो गया। तो समाज से हमें मिले या ना मिले तो भी हमें विश्वास रहे कि भाई परमात्मा से मिलेगा, आज मिलेगा, बाद में मिल जाएगा, अगले जन्म में मिलेगा, यथा समय हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो अहम दाशु से विभजामी भोजनम, और ये उचित भी है, ये बुद्धिपूर्वक है,
देने वाले के लिए उचित उचित होना भी चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का पहला मंत्र था, खोल रहे हैं इसी को। भूमिदानम आर्याय श्रेष्ठाय वीर्याय वीराय, ये जो भूमि का देना है वो श्रेष्ठ आर्य के लिए, श्रेष्ठ के लिए वीर्य के लिए। श्रेष्ठ आर्यो वीरो ही भूमे है परिष्कारम शासनम च कर्तुम शक्नोति, जो श्रेष्ठ है आर्य है वीर है वो ही इस भूमि का परिष्कार यानी इसको अच्छा बना सकता है, पहले से इसमें शासन कर सकता है। न अश्रेष्ठ हो अवीरो निर्बल, जो अश्रेष्ठ है वीर नहीं है निर्बल है वो इसका शासन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए उसको। और दूसरा जो था उस वचन के लिए, भोजने कृत कर्मणों अधिकार, भोजन में उसका अधिकार है जिसने कर्म को किया है, कृत कर्मण अधिकार जिसने पहले कर्म किया है, तो कर्म के रूप में यहां पर इन्होंने लिया, देना रूप कर्म किया है उसके लिए उसको अधिकार मिलेगा, उसी का अधिकार है। तस्मात यथा योग्यम तत् विभजनम, उसका जो विभाजन है कर्म फलों को देना वो यथा योग्य है। इससे हम अन्य हम भिन्न भिन्न प्राणियों में भी इसी तरह ले सकते हैं, कर्मों के अनुसार हमें भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, भोग प्राप्त होते हैं। इति बुद्धिपूर्वम ज्ञानपूर्वम दानम भूमेर विभाजनम स्पष्टम एव, तो इस प्रकार जो वर्णन है ये बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक दान और भूमि का विभाजन आदि, दानम भूमेर विभाजनम स्पष्टम, भोजन आदि का विभाजन और भूमि का दान ये बुद्धिपूर्वक प्रतीत होता है। तो वेद के अंदर जो भी देना रूप कर्म है वो भी बुद्धिपूर्वक है, चाहे परमात्मा हमें देता है या हमें कुछ देने के लिए वहां पर कथन किया गया है कि आप इन लोगों को दीजिए, जैसे कि राजा को दीजिए, विद्वानों को दीजिए, इस पर जिन जिन को देने के लिए वहां कहा गया है वो युक्ति संगत है, आधारपूर्वक है, हम उसको यूं दोषपूर्ण नहीं कह सकते कि भाई हमने कमाया है हम क्यों दें दूसरे को। एक तर्क युक्ति ये आएगी बुद्धिपूर्वकता कि हमने कमाया है तो हमें ही भोगना चाहिए, दूसरे को क्यों दें हम। तो प्रथम दृष्टया ठीक है कि जिसने जो कमाया है वो अपना रखे, लेकिन दूसरे को देने से और अधिक हमारा हित होता है, समाज का हित होता है, हमारा हित होता है, इस दृष्टि से वो देना भी युक्तिसंगत है, बुद्धिपूर्वक है। तो जितना भी ददाती है वो बुद्धिपूर्वक है। अब इसके विपरीत जो बनता है वो होता है, देने के विपरीत बनेगा लेना, उसके लिए अगला सूत्र कहा चौथा, तथा प्रतिग्रह, प्रतिग्रह दूसरे से लेना, बदले में लेना, ये जो चीज है ये भी उचित है, देना भी और उचित लेना भी, वो भी वहां पर बुद्धिपूर्वक ही कहा गया है। माशे देखिए, तथा वह प्रतिग्रहो दान स्वीकारो योग्यात योग्य आदानाभिलाषो अपि बुद्धिपूर्वो ज्ञानपूर्वो वेदे खलु उपलभ्यते। तो जो प्रतिग्रह है, प्रतिग्रह को इन्होंने खोला, दान स्वीकारो, दान को स्वीकार करना, दूसरा दे रहा है और हम उसको ले रहे हैं, योग्यादान अभिलाषो, योग्य आदान की इच्छा, आदान मतलब लेना उसकी इच्छा, यह भी बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक है, वेद में यह उपलब्ध होती है। तेनापि तद्विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, इसलिए भी वेद विहित कर्म हमें स्वीकार करने चाहिए। इसके लिए एक वचन दिया इन्होंने अथर्ववेद का, तद्यथा वर्चो विज्ञानम आददे, वर्च तेजस्वी, विज्ञानम विज्ञान को आददे, मैं ग्रहण करता हूं स्वीकार करता हूं। तो यहां पर कि ज्ञान को, विज्ञान को, तेजस्वी विज्ञान को, उपयोगी विज्ञान को, ज्ञान को हमें सबको लेना चाहिए, यह मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है। ये जो लेना है ज्ञान का लेना है, ये बुद्धिपूर्वक है। अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी। तो ज्ञान को लेना रूप जो कर्म है ये बुद्धिपूर्वक है, लेना ही चाहिए। ज्ञान को लेने के लिए वहां पर कथन किया गया, वर्चो विज्ञानम आददे, वर्चो विज्ञानम तो सर्वेभ्य सर्वई प्रतिग्राह्यम आदेयम स्वीकार्यम वा। ये जो तेजस्वी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो सबसे और सबके लिए, सबके द्वारा वो लिया जाना चाहिए, सबसे ले सकते हैं और सबके लिए स्वीकार्य है, यानी सबके लिए है, यानी सबको लेना चाहिए और सबसे ले सकते हैं। ज्ञान जहां से भी हमें मिले वहां से हमें लेना चाहिए, जो भी नई चीज मिलती है, उपयोगी चीज मिलती है, शुद्ध ज्ञान है, समझ बढ़ाती है, वो हमें किसी से भी लेना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
नहीं तो बहुत सी बार ये बात हो जाती है कि हम किससे लें, नहीं इससे तो लूंगा, इससे तो नहीं लूंगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये उम्र में छोटा है, ये धन में छोटा है, ये पद में छोटा है, मैं इससे कैसे ले लूं, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी हो, ज्ञान किसी से भी मिलता हो, बच्चे से भी हो तो बच्चे से भी, कहीं से भी, जहां से भी हमें ज्ञान मिल रहा है वहां से मिलना चाहिए, ले लेना चाहिए। आगे तथा च, और कहते हैं, मोघ मन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य, तस्य के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 117वें सूक्त का 6ठा मंत्र, और ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। भोजन के अंत में ये बोला जाता है, उसका विनियोग वहां भोजन के संदर्भ में किया हुआ है, हमें ये याद रखना चाहिए कि अप्रचेता, जो जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जागरूक नहीं है, यानी मूर्ख व्यक्ति, मोघम अन्नम विन्दते, व्यर्थ ही अन्न को पा रहा है, वो जो खा रहा है अपने लिए। कौन व्यक्ति है ये मूर्ख, जो अपने लिए, केवल अपने लिए खा रहा है? कैसा है वो मूर्ख और उसका होगा क्या, पहले बताया, सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कह रहा हूं, ये परमात्मा कह रहा है, सत्यम ब्रवीमि वध इत सतस्य, वो इसका नाश कर देगा। ये जो अन्न है जो केवल अपने लिए खा रहा है, यद्यपि अपनी मेहनत से अपने करके खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वो नाश कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो नार्यमणम पुष्यति, न तो अर्यमा को यानी राजा को, शासक को पुष्ट कर रहा है, नो सखायम, न अपने सखा मित्र बंधु जो साथी हैं आसपास के रहने वाले हैं उनको भी पुष्ट नहीं कर रहा है। तो केवलाघो भवति केवलादि, केवल अकेला खाने वाला, स्वयं खाने वाला, वो तो केवल पाप को खा रहा है। जब तक हम दूसरों को नहीं देंगे तब तक वो पाप कर्म कहलाएगा। अब इसमें जो है ना, न अर्यमणम पुष्यति, अर्यमा को पुष्ट नहीं करता है, राजा को पुष्ट नहीं करता है। आज के संदर्भ में देखें कि जो कर राजा को दिया जाना चाहिए उसको नहीं देता है और स्वयं ही खाता है, तो पाप को खा रहा है, वो पापी हो गया। क्योंकि राजा हमारी सुरक्षा करता है, अन्य व्यवस्थाएं करता है, उसके लिए आवश्यक है, उसके बिना हमारी कैसे, हम सुविधाएं तो ले रहे हैं, व्यवस्था तो ले रहे हैं, लेकिन हम यथा योग्य जितना हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। ये अलग बात है कि कितना देना चाहिए, उसमें मतभेद हो सकते हैं, भिन्नता हो सकती है, राजा कैसा है, उचित है, अनुचित है, ऐसे कई चीज़ें कही जा सकती हैं कि भाई राजा उतना अच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे उसको। उसकी सुविधाएं तो हम सारी ले रहे हैं, अभी अच्छा नहीं है तो हम या तो सुविधाएं भी ना लें उससे, लेकिन सुविधाएं तो लेते हैं तो फिर हमें देना भी होता है, लेकिन राजा को दिया जाना चाहिए। ये मूल यहाँ वेद मंत्र से पता लग रही है कि जो केवल कमा रहा है और खा रहा है और राजा को अगर नहीं दे रहा है तो दोषी है। तो नार्यमणम पुष्यति, वर्यमा को पुष्ट नहीं कर रहा है, और न सखा को, वो पाप होता है। अभी तो ठीक है, भारत में स्थितियां ऐसी हैं और बहुत सारे नियम बने हुए हैं कि अनेकों को आय कर में छूट दी गई है, आय जो होती है वो कर नहीं देते, लेकिन कई जगह विदेशों में देखिए उसमें कहीं कोई छूट नहीं होती है, देना ही है आपको, जितना भी आप कमाते हैं आपका व्यक्तिगत कर्तव्य है, समाज राष्ट्र के लिए आप अंशदान करेंगे ही, न्यूनाधिक हो सकता है लेकिन आपको करना ही है, करना ही चाहिए, इतना आप कमा रहे हैं, क्योंकि आप सुविधाएं भी ले रहे हैं और उसके कारण वहां पर सुविधाएं भी अधिक जुट पाती हैं, अधिक कर जाता है, व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ तो कर जाता ही बहुत कम है, बहुत कम लोग हमारे यहाँ पर कर देते हैं, राजा को देते ही नहीं है। तो ये किन, राजा को दिया जाना चाहिए, हम कमा के अपने पास रखते हैं तो ये पाप ही कमा रहे हैं, और हमारे आसपास के जो मित्र हैं, सखा लोग हैं, उनको भी हमें देना चाहिए, जो हमारे कार्यों में सहयोगी होते हैं, परिवार वाले भी हो गए और हमारे आसपास के भी हो गए, एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। सब जने तो कमाते नहीं हैं, कुछ जने घर का काम करते हैं, महिलाएं, जैसे आजकल चल रहा है, महिलाएं, बहुत सी महिलाएं घर का काम करती हैं, वो भी सखा है, उसके लिए हमें देना चाहिए, जो कोई बाहर से कमाता है, अन्य भी जो हमारे काम करते हैं उन सबको। अत्र अहम पदम भिक्षोर वचनम स्वात्म प्रदर्शनार्थम, यहां पर अहम शब्द जो है, सीधे सीधे तो यहां अहम शब्द नहीं आया, अहम शब्द ऊपर वाले वचनों में तो आया था पिछले सूत्र में, लेकिन मैं के लिए जो कथन वाले हैं इसमें, सत्यम ब्रवीमि आदि चीजें और आददे इत्यादि, ये जो लेने से संबंधित जो है, ये प्रतिग्रह, ये भिक्षु का वचन है, स्वात्म प्रदर्शनार्थम, अपने को प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिग्रह आकांक्षायाम, प्रतिग्रह की इच्छा में कि मुझे मिले,
दूसरों से लेना है। साक्षात खलु अदातारम निंदती, और इसमें यहां पर साक्षात खलु अदातारम निंदती, जो नहीं देने वाला है उसकी निंदा भी की गई है। देखिए ये ऋग्वेद का मंत्र है, प्रणीयात इत नाधमानाय तव्यान द्राघीयांसम अनुपश्येत पंथाम। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117वां सूक्त और 5वां मंत्र है। इसका क्या मतलब है? नाधमानाय इत प्रणीयात, नाधमानाय का मतलब जो चाहने वाला है, याचक है, मांगने वाले की याचमानाय, उसको पूर्ण करें, निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करें, जो उचित ढंग से मांग रहा है उसकी पूर्ति करें। कौन? तव्यान, जो कि बढ़ा हुआ है, समृद्ध है, प्रवृत्त है, उसको तव्यान जो है, ये तवीयान, प्रवृद्ध जो समृद्ध जन है, तव्यान मतलब तवीयान, ये अर्थ है इसका, जो समृद्ध जन है वह, जो स्वयं ही नहीं कर पा रहा है उसके लिए नहीं बात है, वो जो समर्थ है वो क्यों करे? द्राघी यांसम अनुपश्येत पंथम, वो रास्ते को बहुत लंबा देखे, ऐसा करते वो देखे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा रास्ता है, जैसे कि राजमार्ग होता है, आगे बढ़ने के लिए खुला रास्ता है। जब ये संपन्न व्यक्ति दूसरे को देगा, जिसकी आवश्यकता है उसको उचित जगह देगा, तो वो इस रूप में देखे कि जैसे मेरा रास्ता खुल रहा है, मेरे एक बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है, ऐसी उदारता से वो देखे, उसकी कोई हानि नहीं हो रही है। यानी जो शास्त्र में लिखा, वेद में लिखा कि अहम विभजामि दाशु से भोजनम, मैं देने वाले के लिए भोजन करता हूं, ईश्वर का न्याय वहां पर है, तो देने का अवसर मिल रहा है, उचित जगह मैं दे रहा हूं, तो उससे पूरा रास्ता खुल रहा है, ऐसा वो सोचे। भिक्षुर एव प्रतिग्रहाय दाना दानार्थम दातारम प्रेरयति। इस प्रकार से एक भिक्षु दान और आदान के करने वाले को प्रेरित कर रहा है, उचित को लेना चाहिए और उसको देना भी चाहिए। तो इस प्रकार से जो वेद के अंदर देना और लेना ये दोनों है, ये बुद्धिपूर्वक है, और बुद्धिपूर्वक होने से हमें स्वीकार्य होना चाहिए। तो ये आत्मा के कर्म, परमात्मा का भी बता दिया वेद रचना, और उसके अनुसार तमस्तु मा विद्विषावहै।